हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है सीएफटी नेट सिस्टम। आज हम नेट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो नेट सिस्टम क्या होता है, देखिए, जो भी हम हाइट पे वर्क करते हैं, हम अपना पूरा सेफ्टी के साथ वर्क कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे लिए सेकंड प्लान जो है वो क्या है, वो भी तो हमें तैयार रखना होगा ना, हमारा सेफ्टी से रिलेटेड सेकंड प्लान, तो वो है सेफ्टी नेट सिस्टम, ठीक है। जब भी हम हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो उसी पोजीशन में जस्ट उसके नीचे एक नेट सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि आप इन केस कभी भी गिरते हैं तो आप बच सकें, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका PPEs वेयर करना इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, ठीक है। इससे होने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बचा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ही गिर गया आपसे, कुछ सामान गिर गया, तो वो भी तो सेफ ही रहेगा ना उस नेट में गिरने के बाद। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बचा सकते हैं इस सेफ्टी नेट को लगाने के बाद, ठीक है। सरफेस के लिए ये वर्क करता है, अगर कोई इंसान जो भी वहाँ पे वर्कर वर्क कर रहा है वो गिर जाता है तो उसे बचाने के लिए भी काम में आता है। ऑब्जेक्ट या मटेरियल कोई भी चीज़ गिरती है तो उसे भी वो बचाता है, ठीक है। बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं ये सेफ्टी नेट लगाने के, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग जो रहती है वो 6 inches पर रहती है, ठीक है। और इसका क्या क्या इसके लिए इसका जो भी इंस्पेक्शन है वो होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं जो सेफ्टी नेट जो है वो कमज़ोर हो, ऊपर से जब कोई भी सामान गिरे तो वो ऐसा ना हो फट जाए, तो इसका इंस्पेक्शन पहले किया जाता है, क्या ये इतना वेट गेन कर पाएगी या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें चेक की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हजार्डियस सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, अपना हजार्डियस सिचुएशन जो है हैंडल हो जाएगी, होने वाले एक्सीडेंट्स जो हैं वो इस तरीके से हम बचा सकते हैं। हाइट पे वर्क करना, देखिए, बहुत ही टफ वर्क है। हम PPEs वेयर किए हुए हैं, हमें पता है पूरे ये है चांसेस है कि हम नहीं गिरेंगे, पर फिर भी इन केस हमें हम गिर जाते हैं तो नीचे गिरने के बाद तो चोट लग सकती है ना, तो हम उससे बचने के लिए क्या करें। हम उससे बचने के लिए यही कर सकते हैं कि हम अपना सेकंड प्लान तैयार रखें। अगर हम सेफ्टी नेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो हम बहुत हद तक सेफ रह सकते हैं। मान लीजिए हमें चोट लगेगी ही नहीं, प्लस हमारे साथ जो भी इक्विपमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मटेरियल है वो भी अगर इन केस ऊपर से नीचे गिरता है तो वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। देखिए, इस तरीके से सेफ्टी नेट जो वो वर्क करता है, आपको हर सिचुएशन से बचा रहा है ये सेफ्टी नेट। हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो ये मतलब ये समझ लीजिए आपकी जान जो है वो इससे बहुत सेफ रहेगी, ठीक है। और डिफेक्टिव इक्विपमेंट कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए, ठीक है। और देखिए, हम जितना खुद को प्रोटेक्ट रखें उतना ज़्यादा अच्छा है, तो हमें जितने भी वर्क करते वक्त जो भी प्रोटेक्शन चाहिए, जो भी प्रोटेक्शन हम लेना चाहते हैं, वो सारे अगर हम सब यूज़ करके खुद को सेफ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, एक्सीडेंट्स हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स ही बड़े एक्सीडेंट्स का रूप ले लेते हैं, तो हम अगर अवेयर नहीं होंगे तो हमको कोई नहीं बचा सकता, पर अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हम सेफ रह सकते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब मान लीजिए कोई पर्सन है, अब वो वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको पता है वो हाइट पर वर्क है, उसने हार्नेस भी पहनी हुई है और वो वर्क कर रहा है, और अचानक से उसका पैर स्लिप हो गया। अब उसे ये लगा मैं तो हार्नेस पहनाऊँ, मैं बीच में हैंग हो जाऊँगा, पर हार्नेस का एक स्ट्रिप जो था वो ढीला था, जिसकी वजह से वो हैंग नहीं हो पाया और नीचे गिरा। तो अगर आप सेफ्टी हार्नेस नहीं लगाए, अगर आप नेट नहीं लगाया होता, सेफ्टी नेट आपने नहीं बिछाया होता, तो क्या होता, वो गिर जाता ना। तो इसी ऐसी ही चीज़ों से हमें सेफ रहने के लिए सेफ्टी नेट सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है उसका जितना कि PPEs का, ठीक है। तो ये सारे जो सेफ्टी के जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो कहीं ना कहीं सेफ्टी इक्विपमेंट से जुड़े रहते हैं। हम अपनी सेफ्टी खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि हम जितना खुद को सेफ रख सकते हैं उतना कोई नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर हम अपनी सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो ये भी हम ऐसे सेफ रह सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको जब भी GSC मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, तब ये सारी चीज़ें चेकआउट कर ली जाती हैं। जो भी सेफ्टी नेट आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में ही रहता है, और बाकी सारी चीज़ें वेल मेंटेन रहती हैं, वर्किंग कंडीशन में रहती हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता। क्योंकि वर्क परमिट इशू होने के बाद अगर आप जाते हैं उस वर्क पे, तो वो बहुत सेफ़ रहता है।
ऐसे ही आपको HSC डिपार्टमेंट कोई भी काम के लिए नहीं भेजेगा। वर्क परमिट इशू हो गया, इसके बाद ये है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो बहुत सेफ प्लेस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी तो यही करना है ना, हमें सेफ रहना है, तो सेफ रहने के लिए हमें अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। और एक और बात, हाइट पर वर्क कर रहे हैं कैसे करना है, जो भी SOP आपको दी जाए वो SOP मेंटेन करके आपको वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रेनिंग्स मिली हैं वो ट्रेनिंग्स का आप यूज़ जो भी करें ध्यान में रखे करें, उसके अकॉर्डिंग वर्क करें जो आपको ट्रेनिंग मिली है, ठीक है। और हाइट पर हमेशा वही इंसान वर्क करता है, हर वर्क ही वही इंसान करता है जो वो कर रहा होता है। किसी भी नए इंसान को हम वो काम नहीं पकड़ा सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारे वर्क होते हैं और वो वर्क वही कर सकता है जो उसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, ठीक है, जो उस काम को अच्छे से जानता हो, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी नेट सिस्टम है उसमें सिर्फ यही है कि आप कैसे फॉल ब्रेक प्रोटेक्शन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे खुद को बचा सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको सेफ्टी नेट सिस्टम के बारे में बताया, जो कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड पॉइंट था। सो थैंक यू।